खबर बिजनौर के नगर चांदपुर से है, जहां मंगलवार को अफजल पुत्र अब्दुल रजाक मंडी धनोरा जनपद अमरोहा निवासी अपने साथी यूसुफ ग्राम सकूराबाद जनपद अमरोहा निवासी के साथ बाइक पर सवार होकर मुजफ्फरनगर जा रहा था। लगभग सुबह के 8 बजे जैसे ही वो दोनों अपनी बाइक से जनपद बिजनौर के चांदपुर धनोरा रोड स्थित जैदी टीवीएस शोरूम के सामने पहुंचे के पीछे से आए बाइक पर सवार युवकों ने अफजल व उसके साथी यूसुफ को रोककर गाली गलौज करते हुए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। चीखने व चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। भारी संख्या में लोगों को आता देख दबंग आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना से आक्रोशित नगरवासियों ने रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर कोतवाल लव सिरोही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया तथा घायल युवक को उपचार हेतु CHC पहुंचवा कर भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। PLN न्यूज के लिए तारिक शेख की रिपोर्ट। चांदपुर में जैसे ही एंटर करा मैंने, पीछे से जो है दो बाइक आई और उस पर 6-7 आदमी थी। उन्होंने नाम पूछा, मैंने नाम बताया, उन्हें अब जाने बताया, उन्होंने हेलमेट उतरा फिर का डंडा फेंकना शुरू कर दिया। कितने लड़के थे? 6-7 होंगे। आपके साथ में कोई और था? हाँ, मेरे साथ में एक लड़का और था, कोतवाली में बैठे हुए। आप किधर जा रहे थे? यहाँ से मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, मुजफ्फरनगर मेरा काम चल रहा है। मुझे चांदपुर जो एंटर करती जैदी TVS वाले जो है वहाँ पर रुका। कहाँ से पीछे लगे थे तुम्हारे? आईडिया नहीं है सर, वहाँ से कहाँ से पीछे लगे थे? वो बाइक पे थे, दो बाइकों। कितने लोग थे? 6-7 होंगे सर। 6-7 बस नाम पूछा उन्होंने, मैंने नाम बताया, उन्हें अफजल अहमद नाम पूछते उन्होंने जो डंडा फेंकना शुरू कर दिया, मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ, फिर आपने अपना बचाव किस तरह किया? बचाव मैंने बचाव किया, मैं तो बाइक पे से कूदा है, उसके बाद में जो इधर उधर गोया वो डंडे फेरते रहे मुझ पे। अच्छा, वहाँ पर कोई भी नहीं था उस टाइम, लोगों को आगे भाग गया। हाँ, लोगों ने आगे बचाया। जब लोग आए वहाँ पे तो उसके बाद में वो जो है भाग गया। पैसे छीने आपने? पैसे वैसे तो खैर नहीं छीने। कैसे नहीं चले?